हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, आप यहां पर देख सकते हैं जेपी यूनिवर्सिटी में होगी कड़ी प्रतिस्पर्धा, यह काम होगा बहुत ही मुश्किल। चलिए क्या कुछ अपडेट निकल कर आई है जेपी यूनिवर्सिटी से, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, क्योंकि आपको मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से सही और सटीक जानकारी दी जाती है। चलिए फ्रेंड, आप सभी को मालूम होगा कि जेपी यूनिवर्सिटी में लगातार सेशन बैक टू बैक पीछे जा रहा है, यानी कि लगातार सेशन लेट हो रहा है, कभी कॉपी को लेकर तो कभी कुछ को लेकर ऐसे लगातार सेशन लेट हो रहा है। और सभी छात्र कमेंट में कमेंट करते हैं कि अब इस यूनिवर्सिटी में कोई भी छात्र एडमिशन नहीं कराए। लेकिन उसके बाद भी एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है। आप सभी को मालूम होगा कि जयप्रकाश यूनिवर्सिटी स्नातक पार्ट वन में नामांकन कराने के लिए, यानी कि ग्रेजुएशन में नामांकन कराने के लिए जो तिथि है उसको विस्तारित करके 21/7/2022 तक कर दी गई है। फ्रेंड, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो आपका एडमिशन के लिए प्रक्रिया है, ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है, वह 1 जून से लिया जा रहा है। लगातार तीसरी बार इस डेट को बढ़ाया गया है। फ्रेंड, आप सभी को मालूम होगा कि जब पहली बार डेट को बढ़ाया गया था तो उस समय जेपी यूनिवर्सिटी में मात्र 40,000 के आसपास आवेदन आए थे, लेकिन जब दूसरी बार डेट को बढ़ाया गया तो 60,000 के आसपास आवेदन आ चुके हैं। फिर आप सभी को मालूम होगा कि जेपी यूनिवर्सिटी में अभी एक बार फिर से डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, छात्र हित के ध्यान में रखते हुए। फिर आप सभी को बता दूं कि जेपी यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर फारूक अली ने यह घोषणा किया है कि CBSE 12th का जो रिजल्ट है वो अभी जारी नहीं किया गया है, उसी को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से डेट को बढ़ाया गया है। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखने वाली बात है कि जेपी यूनिवर्सिटी में टोटल अभी 36,000 सीट अवेलेबल है, लेकिन आप सभी को मालूम है कि अभी तक 60,000 आवेदन आ चुके हैं और डेट को एक बार फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो मुझे मालूम है कि 80,000 के आसपास आवेदन तो चल ही जाएगा। तो एक बार फिर से जेपी यूनिवर्सिटी में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलने वाली है। अब बात रहा कि आखिर क्यों छात्र फिर इस यूनिवर्सिटी में नामांकन करा रहे हैं जबकि सेशन लगातार लेट हो रहा है। देखिए फ्रेंड, एक यही विकल्प है, दूसरा कोई तो विकल्प दिखता नहीं है। गांव के छात्र आखिर जाएंगे तो कहां जाएंगे, इसलिए जेपी यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि छपरा सिवान गोपालगंज में जेपी यूनिवर्सिटी का संचालन होता है। फ्रेंड, ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाएं ताकि आने वाली सारी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। जय हिंद।